मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल। कहते हैं बनाने वाले के हाथ में जादू होता है अगर खाना स्वादिष्ट बना हो तो। हाथ का जादू तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि खाने में आप कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, कितना अमाउंट क्या दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, इससे खाना स्वादिष्ट बनता है। तो आज की जो रेसिपी है मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊँगी और हर चीज़ों को बारीकी से समझाऊँगी। छोटी छोटी चीज़ों से ही खाना स्वादिष्ट बनता है, तो चलिए जानते हैं ये रेसिपी। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे चिकन और यहाँ पे लिया है प्याज। तो चिकन जो लिया है वो 1 kg और 1/2 kg यानी 1.5 kg और प्याज भी हमें लेना है 1.5 kg। प्याज को छिलके उतार लें और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अभी ध्यान रखें ये जो वाला पार्ट है ना प्याज का सिरा, इसे ज़रूर से निकालें क्योंकि सारा टेस्ट ख़राब इसी से होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसे निकालना बिल्कुल ना भूलें। और अभी डालना है यहाँ पे 4 बड़े चम्मच से जीरे का, जो साबुत जीरा आता है वो, और मिर्ची डालनी है हरी मिर्ची। आपको बहुत तीखा खाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अदरक डालना है छोटा सा टुकड़ा और लहसुन खूब सारा डालें लहसुन। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज जो कटे हुए थे वो डाल दिए हैं और टमाटर बहुत ही कम यूज़ करते हैं देसी वाले जो चिकन बनते हैं, तो 1 टमाटर बस डाल दिया मैंने। मसालों को बारीकी पीस लेना है और तब तक चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई ध्यान रहे जो भी कढ़ाई आप ले रहे हैं मोटी होनी चाहिए तभी चिकन अच्छी बनेगी। एल्युमिनियम की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। इसमें हमने डाला है 1 कप तेल। तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, सरसों के तेल में चिकन बहुत ही अच्छा बनता है, तो धुआं जब निकलने लगे सरसों के तेल में तो आप उसमें डालेंगे जीरा, जीरा का फ़ौरन, और जीरा बहुत अच्छे से चटकने देना है जब तक जीरा हल्के ब्राउन कलर का यानी सुनहरे कलर का हो जाए तब तक इसे चटकने देना है। और जीरे से खुशबू आने लगे तो आप पहचान जाएंगे ये जीरा अच्छे से चटक गया है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने से जो चिकन होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता, तो आज मैं आपको सभी बताने वाली हूँ टिप्स। अभी जो हमने प्याज कट किया था सारे प्याज को डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है, एक बार में नहीं डालना है। अभी देखिए हमने सारे प्याज को डाल दिया है और इसे हमें मिलाना है। मिलाने के बाद हम इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे कुछ भी, बस 2 इलायची डाल दें, 1 छोटा जो स्टिक आता है दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें और साथ में डाल दें इसमें जो तेज़पत्ता आता है, तेज़पत्ता भी 1 ही डाला है मैंने। बहुत ज़्यादा मसाला डालने से, गरम मसाला डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता चिकन का, बस मसाले की टेस्ट आने लगती है। अभी यहाँ पे नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। अभी नमक डालना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर अभी नमक आप नहीं डालोगे तो प्याज अच्छे से नहीं पकेगा, प्याज से पानी नहीं निकलेगा और प्याज से जला हुआ फ्लेवर आएगा। तो अभी हम डालेंगे जो मसाले हमने अभी अच्छी बारीक की तरह से पीस लिया था, जीरे का और जो हमने बताया मिर्ची, अदरक, लहसुन सारा कुछ और 1 छोटा टमाटर, तो उसको भी डालकर अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है। भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हमें अभी फ्लेम को हाई पे ही रखना है ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये पानी भी हल्का हल्का छोड़ने लगा है क्योंकि हमने नमक डाला था और इसकी वजह से मसाले भी अच्छे से पकने लग गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पानी हल्का आने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर और हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर 2 छोटे चम्मच से डालना है और रेड चिली का पाउडर 3-4, आपको जैसा, अगर बहुत तीखा खाना अच्छा लगता है तो आप 4 डालें, कम तीखा खाना है तो आप 2 डालें, स्वाद के अनुसार आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी मैं इसमें डालूंगी मटन मसाला। दोस्तों चिकन मसाले में मटन मसाला डालने पे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ये वाला मैंने डाला है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं यूज़ कर रही थी, मैंने अपने चिकन में डालती हूँ, मेरे घर में डाला जाता है, तो फिर मैंने सोचा आपको भी बता दूँ।
और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी चिकन। चिकन के पीसेस जब आप लेकर आएँ तो आप बता दें कि चिकन के पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए, काफ़ी बड़े नहीं होने चाहिए। अभी सभी मसाले को और चिकन को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसमें हम अब डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से सिर्फ कलर आता है, इससे कोई तीखापन नहीं आता। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच डालूँगी छोटे चम्मच से, और इसे हमें मिलाना नहीं है, ये याद रखें। अभी जो हम कलर के लिए डाले हैं इसमें मिर्ची, उसको मिलाना नहीं है। ढककर 7 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़े, और देख सकते हैं 7 मिनट के बाद कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है। और ये लाल वाली जो मिर्ची होती है जिसमें तीखापन नहीं होता, काश्मीरी मिर्ची, उससे ही कलर आता है। और साथ ही साथ अभी चिकन से पानी भी आने लगा है। तो जब भी आप चिकन लाएंगे, अगर आपका चिकन फ्रेश होगा, ताज़ा होगा, तो उससे पानी निकलने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लगता है। तो ये एक पहचान होती है कि जो भी हम चिकन ला रहे हैं वो फ्रेश है, ताज़ा है। और तो आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से पानी निकलने लगा है। तो लगातार इसे हमें कुक करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और हर तरफ से पक जाए, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कवर हटाने पे पानी बहुत अच्छे से निकलने लगा है और काफ़ी अच्छी तरह से ये भुन रहा है। तो फिर से एक बार इसे ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, न तो चिकन बहुत सॉफ्ट होते हैं और टूट जाते हैं, इसीलिए हम इसे ढककर पकाते हैं। कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप जैसा कि देख रहे हैं, और हल्के हल्के हाथों से इसे हल्का सा मिक्स मिला बस लेना है। भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन अगर आप भूनेंगे तो चिकन टूट जाते हैं, तो पीसेस तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो हमें बस इसे मिलाना है हल्के हाथों से, और अभी इसे हमें मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए ढककर छोड़ देना है फिर से। तो 10 मिनट हो गया है, तो हम चलकर चेक कर लेते हैं हमारा चिकन पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ दिख रहा है, और काफ़ी अच्छे तरह से पानी भी निकल आया है, और इससे ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, इसका तेल भी निकल दिख रहा है। तो हमारा चिकन अभी अच्छा दिख रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट मिल सके। अगर आपको पराठे रोटी के साथ खाना है तो आप ऐसे ही इसे खाएं, काफ़ी टेस्टी लगेगा। अगर आपको चावल के साथ खाना है, पुलाव के साथ खाना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं, नमक मिला सकते हैं स्वाद अनुसार। मैंने इसे बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, कोई पानी मिक्स नहीं किया था, क्योंकि मैं नान पराठा के साथ खाने वाली थी, रोटी के साथ, चपाती के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार का लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है ये रेसिपी। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें, और बनाने में भी आसान है जैसा कि मैंने दिखाया, और नो डाउट टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप जब भी खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना आप जब इसे ट्राई कर रहे हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, नहीं समझ आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे मैसेज करके, कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से। दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर ले। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।